हुआ, पासवर्ड ही नहीं लग रहा। मुशहर रियासत के राजा वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार आज शनिवार 10 जुलाई को रामपुर बुशहर के शाही शमशान घाट में किया जाएगा। हजारों लोगों की मौजूदगी में उनकी पार्थिव देह को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। इससे पूर्व सुबह 8 बजे से उनके वारिस टीका विक्रमादित्य सिंह का राज्याभिषेक करवाया जाएगा और राजतिलक की परंपरा निभाई जाएगी। इस दौरान चार ठहरियों डंसा, लालसा, शिंगला और शनेरी देवता के वाद्य यंत्रों से राजतिलक के दौरान मधुर धुनें बजाई जाएगी। राज्य अभिषेक के लिए 7 बावड़ियों का पवित्र जल और मिट्टी लाई जाएगी। राजपुरोहित ब्राह्मणों के साथ वेद मंत्रों से विक्रमादित्य सिंह का राज्याभिषेक करेंगे। राजपुरोहित पंडित योगराज गौतम, राजमहल के प्रबंधक राम आश्रय ठाकुर और अन्य लोगों ने बताया कि इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह पूरे राजसी परिधान, राजा का मुकुट, हाथ में खानदानी तलवार और शाही लिबास पहनेंगे। इसके बाद उन्हें शाही राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। परंपरा के अनुसार राजगद्दी को खाली नहीं रखा जाता, इसलिए अंतिम संस्कार से पहले ही राजतिलक करवाया जाता है, जिसके बाद राजा वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह को कांधा दिया जाएगा। वीरभद्र सिंह को पुष्पांजलि देने और अन्य परंपराओं के निर्वहन के लिए कलकत्ता से गेंदे के फूल मंगवाए गए। कृष्ण नेगी ने बताया कि इस सीजन में हिमाचल और पड़ोसी राज्यों में फूल उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण गेंदा के फूल कलकत्ता से दिल्ली और फिर उन्होंने सड़क मार्ग से रामपुर बुशहर पहुंचाए हैं। राजा वीरभद्र सिंह की अंतिम इच्छा थी कि जब भी विक्रमादित्य सिंह का राज्याभिषेक हो तो समूचे क्षेत्र से सतारा देवी देवताओं की पालकियाँ यहाँ पहुँचे। माता श्राईकोटी भी राजमहल पहुँचे। राजपुरोहित पंडित योगराज गौतम ने एप्पल न्यूज से विशेष बातचीत में बताया कि पूरे विधि विधान और भरे दरबार में बेटे विक्रमादित्य सिंह का राजतिलक हो, लेकिन ये अब संभव ना हो सका और आज मातम के बीच विक्रमादित्य सिंह का राज्याभिषेक ऐसे दुख के माहौल में हो रहा है। ऐसे में वीरभद्र सिंह की आखिरी इच्छा मन में ही दफन होकर चली गई। कल हमारे को जब राजा साहेब का दुख समाचार मिला तो हिमाचल तो क्या पूरे भारतवर्ष का कांग्रेस पार्टी का एक स्तंभ अस्त हुआ, जिसे बुशहर जो है, बुशहर जो रियासत है, उसका बच्चा बच्चा आज उनके लिए आंसू बहा रहा है। तो हमारी जो यहाँ की संस्कृति है उसके आधार पर जब तक हम, क्योंकि राजा साहब को राज तिलक हुआ था तो राजगद्दी के मालिक थे, उनके जो वारिश आगे श्री विक्रमादित्य जी महाराज, जब तक उनको राज तिलक नहीं होता है तब तक जो है शव यात्रा नहीं होती। इसलिए शव यात्रा से पहले हमारे जो यहाँ की जो परंपरा है कि टीका साहब को पहले राज्य अभिषेक होगा, राज्य अभिषेक होने के बाद जो है फिर राज तिलक होगा, राज तिलक करने के बाद जो है वो अपने पूरे अलंकार से सिर पे ताज पहन करके हाथ में खड़ग ले करके जो है गद्दी पे विराजमान होंगे। उसके बाद जो है सीधा जो बाजा है खूब बड़े धूमधाम से यहाँ पे बजेगा। जब वो गद्दी पे बैठ जाएंगे तत्पश्चात जो है उनका जो है यहाँ से वो जाएंगे फिर जहाँ पर महाराजा श्री वीरभद्र सिंह जी का जो शव रखा है, फिर वहाँ पे जाएंगे। फिर हमारी जो यहाँ की जो संस्कृति है उसके आधार पर जो है उनका संस्कार, अंतिम यात्रा जो है की जाएगी। सबसे पहले जो है हमारा जो राज्याभिषेक होगा उसमें 7 जगह का जल उससे जो है उनके स्नान होंगे, फिर पंचगव्य से उनके स्नान होंगे, फिर जो है मतलब आपका जो सप्तधान्य है उससे उनके स्नान होंगे, फिर गंगा जल से स्नान होंगे, तत्पश्चात जो है हमारे जो वैदिक ब्राह्मण आचार्य लोग होंगे वो जो है वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए जो है जलाभिषेक करेंगे, तत्पश्चात जो है अभिषेक करने के बाद जो है जब उनके स्नान इत्यादि हो जाएंगे उसके बाद जो उनको मतलब आभूषण सही जो है तैयार करके राजगद्दी के लिए तैयार किया जाएगा। ये जो है जब
रासा अड़तालीस में सन 1948 में राजा साहब का जो है सन 48 में जो है राज्यभिषेक हुआ था, राज तिलक हुआ था। श्री स्वर्गीय महाराजा पद्म सिंह जी के देहावसान के बाद समय, उसके बाद जो है ये समय आज बड़ा दुखद जो है, राज साहब के जाने के बाद जो है आज फिर बुशहर रियासत को जो है श्री वीर विक्रमादित्य महाराज के राज्यभिषेक और राज तिलक होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राजगद्दी है ये जो है महाराजा साहब ने ही बनाई है और इन्होंने ये बनाई है। और राजगद्दी में जो है जी, जब सबसे पहले जो है जो सबसे बड़ा लड़का होता है वो राजा कहलाया जाता है, वैसे तो टीका बोलते हैं उनको, उसके बाद वो राजा कहलाते हैं, उनको राज्याभिषेक होता है, उसके बाद ही राजा साहब की डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है और सबसे पहले राज तिलक किया जाता है। इसलिए ये राजगद्दी ये रखी है और ये परंपरा हम निभा रहे हैं। जितने भी ये देवी देवता आते हैं वो यहाँ आके आशीर्वाद देते हैं और फलीभूत रहें, ये आशीर्वाद देने यहाँ भी आते हैं और महल में भी जितने भी देवी देवता आते हैं ये आशीर्वाद देते हैं कि भी ये राज परिवार जो है फलीभूत रहें, इसलिए यहाँ ये आते हैं आशीर्वाद देने आते हैं देवी देवता। यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे वानरसुर राक्षस था, वानरसुर राक्षस की लड़की थी उषा, उसकी सहेली थी चित्रलेखा। उषा को रात को स्वप्न में एक राजकुमार नजर आया और उसने उसका वो बनाया चित्रलेखा को कि भाई बढ़ा के कि मैंने इससे शादी करनी है। और जब चित्रलेखा ने गई, वो गई जाके नीचे कृष्ण का पोता प्रद्युमन सिंह है उसको वहां से उठा के यहाँ लाया शोणितपुर, सहन जगह थी शोणितपुर, वो वानरसुर राक्षस था। यहाँ जब शोणितपुर में लाया तो उसके बाद यहाँ कृष्ण भगवान वगैरह और ये सब आए, फिर उस वानरसुर राक्षस को इन्होंने मारा। उसके बाद जो है उषा जो है ना जी वो प्रद्युमन सिंह से करके फिर ये यहाँ जो है ये भीमा काली माता का रूप भी वैसे उसके बाद ही शुरू हुआ। और ये वैसे तो ये मंदिर उषा का नाम से फिर अब सुंगरा में भी है इस तरह करके जी। और यहाँ जो हमारी ये राजा फैमिली है ये वैसे कृष्ण डायनेस्टी से ही बिलोंग करती हैं। और इसी तरह करके जो है उसके बाद जो है अभी भी हमारे जो अभी राजा हैं अभी 127वें या 132वें राजा हैं, बाकी ये सब ये इसी फैमिली से हैं। 122 अच्छा 122वें जी, ये भी 122वें राजा हैं जी। तो यही है जी यहाँ की बुशहर की, इनके महल में कहीं भी जाओ कृष्ण भगवान के फोटो ही मिलते हैं। उसी मुताबिक होता है जब जो है पहले यहाँ पे राजगद्दी होती है, राज तिलक होता है, राज्यभिषेक होता है, उसके बाद जो है जो सबसे बड़ा है टीका होता है उसका राज्यभिषेक होता है और फिर जो है डेड बॉडी बाहर ले जाई जाती है राज्यभिषेक के बाद ही करेंगे जी, राज्यभिषेक करेंगे उसके बाद जो है फिर निकालेंगे। ऐसा है ये जो शहर रियासत के पूर्व राजा पद्म सिंह जी यहाँ पर जब उनका देहावसान हुआ वो सन 1946 को बैसाख में हुआ और जब तक वो राज्य करते रहे, उसके बाद सन 47 में देश आज़ाद हुआ। तो देश के आज़ाद होने से पहले ये रियासत जो है बाख्तियार थी और यहाँ पर राजा का शासन था। तो उनके जो टीका थे उस वीरभद्र सिंह जी, जिनकी उम्र मात्र केवल 13 वर्ष की थी, उनको यहाँ के जो एहलकार हम जिनको कह सकते हैं राज्य से जुड़े हुए जो मुख्य नीतिकार थे, उन्होंने उनका राज्याभिषेक करने का बीड़ा उठाया और तत्पश्चात इनका राज्याभिषेक जो है यहाँ पर हुआ अच्छी तरह से। और फिर सन 47 के बाद 48 में ये राजा वीरभद्र सिंह के हाथों ये रियासत का जो राज्य है वो सेंट्रल में यानी सेंकेंडर में मनाया गया। बड़ी दुखद की घड़ी है, खासकर हिमाचल प्रदेश को तो है ही, रामपुर वालों को भी है, जिन्होंने ऐसे महापुरुष ने रामपुर शहर में जन्म लिया है। हम भाग्यवान हैं, हमारा जन्म भी यहीं है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को
एक लड़ी में कार्य किया है। इनका जो मार्गदर्शन है, विकास है, विकास के पुरुष थे, एक लोह पुरुष थे, जो हिंदुस्तान मानता है, हिमाचल प्रदेश तो मानेगा, वो तो घर है। इन्होंने एक जैसा विकास किया, गरीब अमीर सबको समान रखे हुए, जनता को मतलब एक वो एक एक बल देखा, तो अब इनका राज आज तक चला। ये थोड़ा दिखते तो राज नहीं चलना था। इन्हें बड़ी लंबी दूरी तक सोच तक इस राज्य को रखा, लोगों के दिल में बसे और कार्य किए। हर हिमाचल प्रदेश में ऐसा कार्य नहीं था, जो विकास के कुछ स्कूल नहीं थे, मतलब दूसरी सड़कें नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी। इन्होंने करोड़ों का काम कार्य किया लोगों के लिए, एक बड़ा संकल्प है ये। उनके मार्गदर्शन को, उनके कार्य को हम नहीं भूल सकते। वो शास्त्र है, कर्मयोग थे वो बड़े जिन्होंने ऐसे कार्य किए, ऐसी धारों में ऐसे ऐसी सड़कें निकाली और रामपुर शहर में हिमाचल प्रदेश में बहुत विकास किया। और गरीब अमीर बूढ़ों के बुढ़ापे बूढ़ों के लिए पेंशन है जी, बुढ़ापों के लिए पेंशन और बेवों के लिए पेंशन, हर गरीब बेवों के लिए घर मकान, पानी रसोई मीटर बिजली, इन्होंने भी विकास किया, उसको कोई भी इतिहास नहीं भूल सकता है। हमारे हम आज ऐसी क्षति हुई है हिमाचल प्रदेश को, ऐसे महापुरुष का जन्म लाखों जन्म के बाद होता है, जिन्होंने मतलब रामपुर में जन्म लिया था। एक इन्होंने 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी संभाली थी, जो राजगद्दी राजमाता थी, उनके कार्यकाल में इन्होंने राजभवन का अभिषेक हुआ था। आज हम भी उसकी परंपरा को मतलब निभाने के लिए हमारा भी, हमारे से भी कुछ बातें ली भ्रमण सभा से भी, जो हमने भी शेयर की, जो इन्होंने मानी है यहाँ पर दरबार में, हमारा भी कुछ पिछला इनके साथ सहयोग है, वंशों से चला हुआ है, मैंने ब्राह्मणों का भी, और हमारी भी बात मानी हुई, हमारे विधि विधान से यहाँ पर रामपुर शहर में हमारे एक राजतिलक होना चाहिए। यानी उसके बाद अगर परंपरा होगी, एक जयकारा लगेगा, उसके बाद जो होगा, पहले अच्छा वाद्य यंत्र से कार्य होगा, फिर थर्क वेद बाजा जाएगा, फिर उसको बल्ब पूरी परंपरा राजा वीरभद्र को हम प्रार्थना करते हैं, उनको ऐसी जगह, ऐसी लोक में उनको राज मिलना चाहिए, हमारे जैसी रियासत के जैसे आदमी वहाँ अवतार ले, हम भी चाहते हैं हमारा अवतार भी वहीं होना चाहिए, राजा वीरभद्र का अवतार हुआ। ज्यादा न बोलते हुए कल सारी गतिविधि का पूर्ण रूप से विधि विधान से उनका संस्कार होगा, पूर्व नीचे जोगनी भाग में जो उनका परंपरा मतलब स्थली है। तब से पहली जो राजगद्दी हुई राम सिंह को हुई, उसके नाम से राजा का नया राजा था, रामपुर का नाम पड़ा, उनका भी यहाँ पे अभिषेक हुआ था। उसके बाद राजा पद्म सिंह का हुआ, फिर उसके बाद महाराज का वीरभद्र जी का हुआ, आज हम विक्रमादित्य का भी उसी तरह से राजगद्दी पर शुभमान देखना चाहते हैं। रामपुर वाले की यही आशा है और यही सोच है, दिल में है। जय हिंद।